प्रिय मित्रों, आप सभी का टारगेट विद एमआर गुरशे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज अपन बात करेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षा में आने लायक हैं और यहाँ से प्रश्न बहुत ही, जो पटवार परीक्षा है, ग्राम सेवक परीक्षा है, सब इंस्पेक्टर परीक्षा है, कॉलेज लेक्चर, उनके लिए बहुत अच्छे प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, वाद्य यंत्र तामक राजस्थान के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है? तो वाद्य यंत्र है तामक, जो राजस्थान के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा पहले का मेवात। अब देखते हैं प्रश्न दो, रणकपुर मंदिर प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, जिनका संबंध है? रणकपुर की जो जैन मंदिर है वह पर्यटक स्थल है, तो इससे स्पष्ट है रणकपुर मंदिर कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित। तो दूसरे का सही उत्तर क्या रहेगा? जैन धर्म। अब देखो तीसरा प्रश्न क्या है कि जयपुर के अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन किसके शासनकाल में हुआ था? तीसरा प्रश्न है, तो इसका सही, जयपुर के अल्बर्ट हॉल का जो उद्घाटन है वह किसके समय होता है? वह है आपके माधव सिंह द्वितीय के समय। किसके समय? माधव सिंह द्वितीय। बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न रिपीट होने की बहुत अच्छी संभावना है। आगे अपन देखते हैं इसके बाद चार नंबर, इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर आपके होगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम का समाचार पत्र भी प्रकाशित किया गया था और इंडिया हाउस की स्थापना की लंदन में। आगे देखते हैं इसके बाद में, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो सही उत्तर होगा तखत सिंह जोधपुर के महाराजा थे। उससे पहले मान सिंह थे, जिन्होंने समय जो जोधपुर लीजियन का गठन किया जाता है। अब आगे देखते हैं इसके बाद में प्रश्न है कि निम्न में से किसने तरुण राजस्थान एवं डेली हेरोल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर किसान समस्याओं को प्रचारित किया था? प्रश्न संख्या कौन सा है? प्रश्न संख्या अपन देख रहे, सॉरी, छह नंबर है। तो इसका सही उत्तर है वह है राम नारायण चौधरी, जिन्होंने तरुण राजस्थान एवं डेली हेरोल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर की किसानों की समस्याओं को प्रचारित किया। अब देखो प्रश्न संख्या सात नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? सात नंबर कह रहा है, निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर जयपुर जिले में स्थित नहीं है? अब देखो इसमें कौन सा ऐसा मंदिर है जो जयपुर जिले में स्थित, सात सहेलियों का मंदिर, पहला जो है ये बिल्कुल उदयपुर में है, इसलिए इसका उत्तर ये है, ताड़केश्वर मंदिर है, गलता तीर्थ है, जगत शिरोमणि मंदिर, ये सभी जयपुर में स्थित है। अब अपन देखते हैं इसके बाद में, अलवर निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल अलवर जिले में नहीं है? तो आप देख रहे हो सबसे पहला आपके आ गया बाला का किला अलवर में है, मुंशी रानी की छत्री अलवर में विनय सिंह ने बनाई, नीलकंठ महादेव का मंदिर भी अलवर में। सही उत्तर क्या होगा? आभा नेरी की चांद बावड़ी कहाँ पर है? दोसा में। तो इसका सही उत्तर आपके आसान से मिल गया, आठवें का सही उत्तर होगा डी। आगे देखते हैं इसके बाद में, किस अभिलेख में सुहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण कहा गया? तो स्पष्ट है कि ये अभिलेख जो बिजोलिया अभिलेख है 1170 सोमेश्वर के समय इस बिजोलिया अभिलेख को उत्कीर्ण करवाया गया, उत्पन्न करने वाले का नाम था गुणभद्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिजोलिया अभिलेख। आगे देखते हैं इसके बाद में, अजमेर के किस सुहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी? ऐसा कौन सा अजमेर का शासक है जिसने अपने पिता की हत्या कर दी? तो आपको मालूम है कि जगदेव ने अपने पिता अरुणराज की हत्या कर दी। तो सही उत्तर क्या होगा? जगदेव। इसके बाद में अपन देखते हैं प्रश्न संख्या 11, खानवा युद्ध में सांगा के घायल होने पर नेतृत्व किसने संभाला था? अब देख कंफ्यूज करने के लिए दो आ गया, झाला अज्जा, झाला सज्जा। तो इसका सही उत्तर वो होगा झाला अज्जा ने, और महाराणा प्रताप का अगर पूछ लिया जाए तो झाला बीदा होगा। आगे बढ़ते इसके बाद में, महाराणा प्रताप की छत्री कहाँ पर स्थित है?
महाराणा प्रताप की छतरी के बारे में प्रश्न पूछा गया, तो ये सही उत्तर इसका क्या होगा, बाडोली में स्थित। आगे बढ़ते इसके बाद में प्रश्न हो गए 12। अब देखो प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। प्रश्न संख्या 13 है, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो सही उत्तर आपके हरिदास निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक है। आगे प्रश्न है इसके बाद में थेवा कला के लिए विख्यात है, तो थेवा कला कहाँ की, प्रतापगढ़ की थेवा कला वह प्रसिद्ध है। आगे अपन पढ़ते इसके बाद में, निम्न में से कौन सी कृति रचना सूर्यमल मिश्र द्वारा की गई थी। तो आपको मालूम है कि सूर्यमल मिश्र ने कौन से ग्रंथ लिखे थे, वंश भास्कर वीर सत्संग, वीर विनोद वह ग्रंथ किसका है, श्यामल दास का, चेतावनी रसुंगटिया केसरी सिंह बारट का ग्रंथ। आगे अपन देखते हैं इसके बाद में मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ, तो राजस्थान एकीकरण के 7 शरणों में सबसे पहला जो शरण है वह मत्स्य संघ, तो इसका उद्घाटन 18 मार्च 1948 को किया गया। आगे देखते हैं इसके बाद में ये 25 मार्च दूसरा चरण है, इसके बाद 31 मार्च कोई है नहीं, 1 अप्रैल ने भी स्वतंत्रता पूर्व भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना किसने की थी, तो 117 जो प्रश्न है इसका सही उत्तर है माणिकीलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी वर्मा के द्वारा की गई। अब देखते हैं 118 प्रश्न क्या कह रहा है, राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक दयाल दास को संरक्षण देने वाले शासक कौन थे। प्रश्न क्या है, राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक है जिनका नाम है दयाल दास, दयाल दास श्री ख्यात नाम से प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा गया, तो इनको संरक्षण देने वाले शासक उनका नाम है रतन सिंह। अब आगे देखो इसके बाद 118 के बाद में 119 है, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के दुर्ग को जीतकर उसका नाम क्या कर दिया था, तो इसका नाम है वह क्या कर दिया था, खैराबाद कर दिया था, दैट इज खिजराबाद, चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ को जीतकर खिजराबाद कर दिया। आगे देखते 120 नंबर प्रश्न है, किसके शासनकाल में मुगल और मेवाड़ महाराणा के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई थी, तो चित्तौड़ की संधि आपको मालूम है कि कब हुई थी, प्रश्न संख्या 120 है, चित्तौड़ की संधि वह 1615 में हुई थी, और किसके मध्य हुई थी, जहांगीर और अमर सिंह के मध्य, सही उत्तर जहांगीर होगा। आगे बढ़ते इसके बाद में प्रश्नों के बारे में अपन आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ अपन देखेंगे 21, महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशिल्प कौन जो है संरक्षक थे, तो महामारू गुर्जर प्रतियार, इसका सही उत्तर 21 का क्या होगा, सी होगा, महामारू शैली वह किस से संबंधित है, गुर्जर प्रतियार वंश से संबंधित है। आगे देखते हैं इसके बाद में दादू दयाल के निधन, सॉरी थोड़ा जूम हो गया ये, आगे बढ़ते हैं इसके बाद में ये कौन सा प्रश्न आ गया, 122 नंबर प्रश्न, दादू दयाल के निधन के पश्चात दादू पंत का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया, प्रश्न संख्या 122, तो इसका सही नियुक्त किया गरीबदास को किया गया। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 123 नंबर प्रश्न है, उनके बारे में देखते हैं, निम्न में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रशैली से संबंधित नहीं है, तो इसका सही उत्तर आपके होगा मनोहर, जो चित्रशैली से संबंधित नहीं। आगे प्रश्न देखते हैं इसके बाद में 124 नंबर, हमीरहट के लेखक कौन, तो सही उत्तर क्या होगा, चंद्रशेखर, हमीरहट और सूर्जन चरित्र जैसे ग्रंथ चंद्रशेखर लिखे, सदाशिव ने राज विनोद लिखा है, नयन संसुरी ने हमीर महाकाव्य लिखा है, कर्णीदार ने सूर्य प्रकाश जैसे ग्रंथ लिखे। 25वां प्रश्न अपन देखते हैं इसके बाद में, 25वां हालरो पहना जाता है, हालरो आभूषण है वह महिलाओं के गले का आभूषण है, हालरो कहाँ का आभूषण है, महिलाओं के गले का आभूषण। अब इसके बाद में अपन देखते 26 नंबर प्रश्न संख्या 26 है, बेणेश्वर तीन नदियों के संगम पर अवस्थित है, निम्न में से कौन सी इसमें नहीं, तो आपके मालूम है बेणेश्वर माही जाखम, बेणेश्वर संगम सोम माही जाखम, तो अपने आप में कौन सा शामिल नहीं है इसमें, बनास शामिल
नहीं। आगे देखते हैं, वर्तमान में निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित? तो पहले भरतपुर था, अब अलवर शामिल हो गया। तो सही उत्तर आपके इसमें कौन से सम्मिलित हैं, अलवर और भरतपुर शामिल है, डी सही होगा। आगे देखते हैं, 128 नंबर प्रश्न अपन देखते हैं। तो 128 है, मरुस्थलीय वनस्पति किस नाम से जानी जाती है? तो इसको जेरोफाइटा कहते हैं। 128 में क्या होगा, जेरोफाइटा मरुस्थलीय वनस्पति को कहा जाता है। इसके बाद में निम्न में से कौन सा जिला शुष्क मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश का अंग है? तो सही है आपके पाली जिला। अब आगे देखते हैं, जैसलमेर में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? जैसलमेर में किस प्रकार के बालिका स्तूप पाए जाते हैं? तो अधिकतर वह अनुद्रीय बालिका स्तूप पाए जाते हैं। अब देखते हैं इसके बाद में प्रश्न 31, राजस्थान की बांकली बांध किस नदी पर है? राजस्थान का बांकली बांध है वह कौन सी नदी पर है? सुकड़ी नदी पर। अब देखो इसके बाद में अपन देखते हैं प्रश्न संख्या 32, राजस्थान में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। आगे, राजस्थान में पुष्टिकर का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से? पुष्टिकर बहुत अच्छा प्रश्न है, हार्ड प्रश्न है, तो ये आपके जलकर से संबंधित है, पुष्टिकर याद कर लेना। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र अभिकानगर टोंक में है, ये आपके उत्तर सही। आगे देखते हैं, मंगला तेल क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में? तो इसका सही उत्तर है बाड़मेर जिले। अरावली वृक्षारोपण परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? तो अरावली वृक्षारोपण परियोजना वर्ष शुरू की गई थी 1992। आगे देखते हैं, डबोक हवाई अड्डा राजस्थान के किस जिले में? तो डबोक हवाई अड्डा उदयपुर जिले में राजस्थान के, रातानाडा जोधपुर में है और नाल हवाई अड्डा बीकानेर में। आगे देखते हैं, किशनगढ़ हवाई अड्डा वो कहाँ पर है? अजमेर। आगे देखते हैं इसके बाद में प्रश्न संख्या 38, निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान को दो भागों में डिवाइड करती है? कौन सी सम वर्षा रेखा है जो राजस्थान को बराबर दो भागों में बांटती है? तो इसका सही उत्तर 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। आगे बढ़ते इसके बाद में प्रश्न संख्या अपन लेते हैं 139, निम्न में से कौन सा प्रकार पश्चिमी राजस्थान में विशिष्ट पाया जाता है? 139 में आपके एंटी सोल्स मृदा जो पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से पाई जाती है। अब देखते हैं 140 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम पारिस्थितिकी मित्र संभाग कौन सा है? संभाग कौन सा है? तो 140 का है माउंट आबू इसका उत्तर। आगे देखते हैं इसके बाद में 141, राजस्थान राज्य की पहली रेल आगरा फोर्ट से मंदी कोई? इसका सही उत्तर आपको क्या होगा, सी होगा। प्रश्न कौन सा, 41 सी बिल्कुल सही है, ये आपके जो है सबसे पहली रेल यहाँ बांदी कोई तक आगरा फोर्ट से 1874। इसके बाद देखते, राजस्थान में किस जिले में सागवान पाया जाता है? सागवान के वृक्ष है वह राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर आपके बांसवाड़ा। प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, राजस्थान की किस प्रदेश में एंटी सोल्स जो मृदा पाई जाती है? अभी प्रश्न ये वापस आया है कि अभी था कि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी मृदा एंटी सोल्स, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, पश्चिमी क्षेत्र। 144, राजस्थान में सर्दी की ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मावट कहा जाता है, इसका सही उत्तर मावट। अब देखते हैं अपन इसके बाद में प्रश्न संख्या 145, निम्न में से कौन सा जिला बिसलपुर परियोजना से सीधे लाभ प्राप्त नहीं कर रहा? तो इसका सही उत्तर आपके सवाई माधोपुर। इसके बाद में देखते हैं, निम्न में से कौन सा अभयारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर आपके जंगली मुर्गों के लिए कौन सा है, माउंट आबू अभयारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही होगा माउंट आबू। इसके बाद में देखते हैं, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर। आगे देखते हैं, राजस्थान के कालकाजी और कावला में किस खनिज, बहुत अच्छा प्रश्न है, 48वां प्रश्न है, राजस्थान के कालकाजी और कावला में किस खनिज के भंडार है? तो इसका सही उत्तर आपको ग्रेनाइट, ग्रेनाइट के लिए। आगे देखते हैं
इसके बाद में निम्न में से कौन सी भेड़ अधिक ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर आपके क्या होगा, 100 जैसलमेरी भेड़। अब देखते हैं इसके बाद में तांगा, सॉरी अगला प्रश्न है, टांका और खड़ीन प्रकार हैं, किसके प्रकार हैं? टांका और खड़ीन व परंपरागत जल संरक्षण संरचना है। तो ये इस प्रकार आपके 50 बहुत ही अच्छे प्रश्न है, इसमें एक दो प्रश्न रिपीट होने के चांस है, बहुत अच्छे प्रश्न है। जैसे अभी अपन ने देखा था जो अपन ग्रेनाइट क्षेत्र थे, काल काजी और कांवला ग्रेनाइट, इससे प्रश्न रिपीट होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को सेव जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।